नमस्कार, मेरा नाम है साहदेव और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल वाइज। और देखिए कि गुजरात में चुनावी मौसम है। गुजरात में कह ले कि चुनाव जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पर करीब है। इसमें आप देखिए कि आजादी के 75 साल बीतने के बाद भी गुजरात का आदिवासी समुदाय जो है वो अभी भी अति पिछड़ा है। बोलने में काफी ज्यादा जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जो सुविधाएं उन तक पहुंचनी चाहिए वो सुविधाएं कहीं ना कहीं यहाँ पर नहीं पहुंच पा रही है यहाँ पर आदिवासियों के भी। और ये हाल सिर्फ आप देखिएगा कि गुजरात के आदिवासियों का नहीं है। आदिवासियों के नाम पर सियासत 75 साल से सभी सरकारों ने किया, लेकिन मूलभूत तौर पर अगर देखें तो जमीनी स्तर पर कुछ भी नजर नहीं आया। और यही कारण है कि आप देखिए कि तमाम जगहों पर जो है आदिवासियों का शोषण मात्र जो है होता हुआ नजर आ रहा है। भले ही यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू बन गई हो एक आदिवासी समुदाय की राष्ट्रपति, लेकिन उसके बाद भी कोई खासा यहाँ पर सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। उसके पीछे का भी कारण ये है कि देखिए यहाँ पर सरकार के इशारे पर कहीं ना कहीं काम हो रहा है। अभी एक आदेश पारित हुआ है, बिल पारित हुआ जिसमें आदिवासियों की मर्जी के बिना ही उनके जंगल के पेड़ों को काट दिया जाएगा। इस पर आदिवासियों के रहन सहन गुजरात में कैसा उनका रहन सहन, इस पर हमने एक खास रिपोर्ट तैयार की है, वो देखिए आप और कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि रिपोर्ट जो है कैसी लगी। गुजरात में चुनाव अब दरवाजा खटखटा रहा है। ऐसे में तमाम पार्टियों को चुनावी भाषण देने से पहले आदिवासी क्षेत्रों का जमीनी स्तर पर भ्रमण करना चाहिए, ताकि दिमाग में ये फरामोशी आ सके कि आखिर सच में आदिवासियों का जीवन आज़ादी के 75 साल बाद भी कैसा है। शहर की बड़ी बड़ी इमारत और चकाचौंध से कोसों दूर ये रोग पर्यावरण को अपनी जननी मानकर पर्यावरण के करीब रहना पसंद करते हैं। शायद इनके यहाँ बिजली भी काफ़ी मुश्किलों से पहुँचती है। ये लोग मुख्य रूप से किसानी खेती करते हैं, लेकिन रहन सहन आज भी वही पुराना है। वही जीने के तरीके, वही नुस्खे और वही पुराने अंदाज में ये लोग जीना पसंद करते हैं। विकास सरकारी कार्यालय से इनके लिए निकलता ज़रूर है, मगर आधे रास्ते पहुँचते पहुँचते वो बिचौलियों संग बट जाता है। सरकार आदिवासियों के नाम पर तमाम दावे और बड़े बड़े नुमाइंदे पेश करती है, लेकिन अंदर खाने देखा जाए तो उनके ही पीठ पर छुरा घोंपने का काम होता है। आदिवासियों में सुधार के नाम पर देश के सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी महिला को तो बैठा दिया गया, लेकिन विपक्ष का जो आरोप था कि राष्ट्रपति एक सरकार की गुड़िया बन जाएंगी, वो कहीं ना कहीं खुमार चढ़ता हुआ नजर आया। जब एक फैसला आया जिसने आदिवासियों के हित को निचोर कर रख दिया, फैसला आया कि पर्यावरण से जुड़े आदिवासियों के पेड़ों को उनकी इजाजत लिए बिना ही अब सरकार काट देगी। ये वही सरफरोशी की ओर निगाहें तीर देता है कि जब दलितों के विकास के नाम पर पूर्व राष्ट्रपति आए थे। खैर, सरकारों की बात करना काफ़ी बेफिजूल है, क्योंकि इन आदिवासियों की दशा कुछ इस कदर दोयम दर्जे की है, शायद उनको अपने नेताओं का नाम भी कठिनता से याद हो। इन सभी की जीवनी को हमारे संवाददाता दिखाने के लिए पहुंच गए थे गुजरात के छोटा उदयपुर। आदिवासी बहुल इस क्षेत्र की परंपरा, लोगों के रहने का ढंग मूल रूप जीवन से काफ़ी ज़्यादा अलग था। यहाँ कई अहम फसलों की खेती होती है, कपास जैसे संपदा की यहाँ जमकर खेती होती है। यहाँ पुरुष से लेकर महिलाएं भी खेती में अपने वक्त को समेट देती हैं। पर्यावरण के करीब रहने का फ़ायदा इन्हें कुछ इस तरीके से होता है कि इनके अंदर भरपूर ताकत रहती है। आज के एक जवान पुरुष को 20 केजी का वजन उठा के इधर से उधर ले जाने में कुछ क्षण में ही अंतरियां सूज जाती हैं, मगर दाद देनी होगी इन महिलाओं की जो इससे भी अधिक वजन उठाकर अपने कंधे में इधर से उधर लेकर जाती हैं।
आम लोगों से वार्ता करना इनके लिए शायद थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि ये लोग अपने ही अलग आदिवासी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। महिलाओं के बीच यहाँ शिक्षा की कमी है, फिर भी सरकारी वादे अब सरकारी कार्यालयों से इनके लिए निकल चुके हैं। भ्रष्टाचार की बलि अगर ना चढ़े तो शिक्षा शायद यहाँ तक भी पहुँच जाए। बहरहाल इनके रहन सहन वाले क्षेत्रों का माहौल काफ़ी मनोरम था। आज के दौर में जहाँ हवा हर जगह दूषित और जहरीली हो रही है, उसके बिल्कुल ही इतर इन लोगों के वास वाली जगहों में हरियाली के कारण काफ़ी ज़्यादा ताज़ी हवा का इस्तकबाल होता है। इन लोगों के जीवन भर एक ही दृश्य रहता है कि हर रोज परिश्रम करना है, तब जाकर अपना पेट भरना है। ये लोग अत्यंत मासूम और बाफाकता काफ़ी मिलनसार होते हैं। इन लोगों ने हमें अपने सारे व्यापक संस्कृतियों से काफ़ी सादरतापूर्वक अवगत कराया है। यहाँ उम्र का तकाजा जरा भी देखने के लिए नहीं मिलता। हर उम्र का व्यक्ति अपनी अपनी ज़रूरत अनुसार अपने कामों में व्यस्त रहता है। अगर शहर की चकाचौंध से बराबरी करें तो ये लोग आज भी काफ़ी पीछे हैं, और यही कारण है कि फरेब की इस चकाचौंध भरी दुनिया से दूर रहने के कारण इनकी जीवन यातना अमूमन शहरियों से ज़्यादा होती है। जिस उम्र में आज के लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं, उस उम्र में ये लोग नौजवानों वाले काम बेहद आसानी से कर लेते हैं। एक आदिवासी नेता ने कहा था कि कभी कभी मन करता है इन लोगों तक शहरी असासियतें जो है वो ना पहुँचे, क्योंकि फिर पर्यावरण का सानी कोई भी नहीं बचेगा। बहरहाल चुनावी माहौल में मैंने एक ऑटो वाले के घर बैठकर नेताओं को खाते हुए ज़रूर देखा, लेकिन मैंने किसी नेता को कभी इन लोगों के बीच भोजन करते हुए नहीं देखा, क्योंकि यही एक राजनीतिक सच्चाई है और इससे मुंह फेरा नहीं जा सकता। आज़ादी के इतने सालों बाद भी इनका इतने पीछे रहना साफ बताता है कि 75 सालों तक इनके नाम पर सिर्फ और सिर्फ सियासत ही हुई है। बहरहाल अभी गुजरात चुनाव काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, ऐसे में फिर से चुनाव करीब है और मुद्दे फिर से वही है। देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि इन सब मुद्दों पर सरकार क्या कुछ कदम उठाती है।